असलमेकम है यू ऑल आम यू साइंस एडोकेट एंड आ विश अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफ ई आई सो स्टूडेंट्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस एंड हमने पिछले लेक्चर में किस बारे में बात की हमने पिछले लेक्चर में बात की दैट सेपरेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है उसके रीजनस क्या हैं ठीक है न सेपरेशन हम क्यों करते हैं आप यही समझिए तो आज हम जानेंगे मैथर्ड्स यानी सेपरेशन अगर करेंगे सबस्टेंस के लेकिन कौन से मैथर्ड्स यूज हो जाएंगे इसके लिए कौन से मैथर्ड्स हम लगाते हैं ठीक ठीक है ना अब हम वही मैथड देख लेते हैं पहला मैथड हो जाता है हैंड पिकिंग इज अ सेपरेशन टू रिमूव द अनवॉटेड और हार्मफुल फ्रॉम मिक्सचर बाई यूजिंग अवर हैंड्स तो क्या होता है हैंड पिकिंग स्टूडेंट्स ये एक ऐसा सेपरेशन मैथड है जिसमें क्या किया जाता है अनवॉन्टेड सबस्टेंस या हार्मफुल सबस्टेंस आप समझिए वो सबस्टेंस जो कि हमें चाहिए नहीं या वो सबस्टेंस जो कि नुकसानदाह होते हैं जो कि हम एक मिक्सचर से अलग कर देते हैं लेकिन इसमें हम अपने हाथों का यूज करते हैं ठीक है ना वी यूज आवर हैंड्स मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपकी मदर है जब वो चावल वगैरह बनाती है तो चावल वगैरह बनाने से पहले वो क्या करती हैं उस चावल को देखती हैं तो कहीं इसमें कंकड़ है कहीं इसमें कुछ है तो नहीं वो निकाल दें निकालती और फेंकती है फिर वो चावल बनाती है तो लेकिन उसमें उसमें किस किसका इस्तेमाल कर दिया अपने हाथों का इस्तेमाल कर दिया तो हो गया ना हैंड पिकिंग उसने क्या कर दिया उस मिक्सचर में से क्या कर दिया मिक्सचर किसका था चावल का था स्टोन्स का था कुछ भी हार्मफुल सबस्टेंस का था तो उस मिक्सचर में से उसने क्या कर दिया किसकी सेपरेशन कर दी वो क्या कर दिया तो उन्ने, उन्ने क्या करिए स्टोन्स वगैरह निकाले हार्मफुल सब्सटेंस निकाल दिए और बाहर फेंक दिए ठीक है लेकिन उन्होंने किसका इस्तेमाल किया अपने हाथों का इस्तेमाल किया तो हो गई वो पहला स्टेप हो गया हैंड पिकिंग लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है दैट हैंड पिकिंग जो है वो तभी होगी जब उस सब जब उस मिक्सचर में लार्ज साइज के हार्मफुल सबस्टेंस होंगे ना कि सॉल्ट जैसे आपको पता है सॉल्ट का साइज कैसा होता है ठीक है ना वो तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन वो तो हम अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे ना तो जब क्या होगा स्टूडेंट्स जब वो सबस्टेंस हार्मुल सबस्टेंस लार्ज साइज़ के होंगे तभी अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है समझ के दूसरा आता है थ्रेशिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रींस फ्रॉम हार्वेस्ट क्रॉप इट्स डन मैनुअली बाई फार्मर्स और थ्रशिंग मशीन्स मैं आपको बिल्कुल आसान वर्ड्स में समझाऊंगी देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँगी ज्यादातर विलेज में होता है तो क्या होता है अगर जब क्रॉप्स बिल्कुल से तैयार हो जाते हैं ना बिल्कुल से क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो क्या होता है क्रॉप्स तैयार होने के बाद क्या हो जाता है फार्मर्स जो होते ना वो क्या करते हैं उन स्टॉक्स को निकाल देते हैं कटाई कर देते हैं स्टॉक्स स्टॉक्स आपको पता है ग्रेन्स ऊपर से होते स्टॉक्स नीचे डंडिया जैसी होती हैं ठीक है ना उनको निकाल देते हैं और फिर क्या करते हैं सुखाने के लिए रखते हैं कुछ टाइम के कुछ टाइम के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं जब वो कुछ टाइम के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं जब वो सूख जाते हैं फिर उनको क्या करते हैं उनको बीट करते हैं आपको पता है स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में मैटिंग लगी होती है मैटिंग को क्या करते हैं उसको गर्दा वगैरह चढ़ा होता है तो हम क्या करते हैं उसको बालकनी पे रख देते हैं या दीवार पे रख देते हैं और उसको कैसे करते हैं उसको एक बड़े बड़े डंडू से पीटते हैं है, है कि नहीं पीटते हैं वैसे बिल्कुल ऐसी इसको सुखाने के बाद इनको पीटा जाता है जिसकी वजह से ग्रेन्स जो है वो अलग हो जाते हैं ठीक है ना स्टॉक्स से और ग्रेन्स हम अपने लिए यूज़ करते हैं और स्टॉक्स जो है स्टूडेंट्स उनको जानवरों वगैरह को खाने के लिए दे देते हैं ठीक है ना स्टूडेंट्स एक दूसरा मेथड है इट्स डन मैनुअली बाय फार्मर्स ये फार्मर्स करते ऐसी बीट वगैरह करने से अब जब क्रॉप्स जो है ना वो ज़्यादा मतलब होंगे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में होंगे तो क्या करते थ्रशिंग मशीन्स यूज किए जाते हैं ठीक है तीसरा आता है विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क एंड ग्रेन तो स्टूडेंट्स विनोइंग एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसमें क्या किया जाता है सेपरेट किया जाता है हैवियर और लाइटर कॉम्पोनेंट्स को मिक्सचर से अलग सेपरेट किया जाता है बाई विंड या ब्लोइंग ब्लोइंगयर चलती हवा चलती हुई हवा से इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ स्टूडेंट्स आप मूंगफली तो खाते हैं ना खाते हैं ना मूँगफली मूँगफली जब खाते हैं उसका ऊपर वाला कवरिंग निकाल देते हैं फिर जो अंदर से क्या होती है अंदर से जो फलियाँ का होती है ना ऊपर से उसको थोड़ी सी जो लाइट कवरिंग होती है लगा के देखा है ना ब्राउन या पिंक में लगा के होते हैं आप क्या करते हैं उसको हाथों से रब करते हैं और फूक मारते हैं तो आपने क्या देखा है आपने उधर पर देखा है जो ऊपर से वो जो कवरिंग होती है ना पतली कवरिंग होती है वो उड़ जाती है हवा के साथ जैसे हम फूँक उसको मारते हैं हम उड़ जाती है हवा के साथ वैस वही एग्जाम्पल मैं आपको दे देने वाली हूँ एक मिक्सचर में से क्या होता है हैवियर और लाइटर कॉम्पोनेट्स अलग हो जाते हैं ठीक है स्टूडेंट्स समझ आया यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट हस्क एंड ग्रेन तो स्टूडेंट्स हस्क आपको पता है जो मैंने आपको ग्रेन बोला ना ग्रेन ग्रेन की कवरिंग होती है ग्रेन जो है ना उसी हस्क में होता है ग्रेन जो है ना उसी हस्क में होते हैं वही हस्क जो होता है ना उस, उसको क्या किया जाता है उसको अलग कर दिया जाता है ठीक है ना किससे ब्लोइंग एयर या वेंट से समझ गए स्टूडेंट्स समझ गए विंड से उसको वो अलग हो जाता है मैं आपको बोलूँगी स्टूडेंट्स हस्क जो है वो पतला होगा सॉरी वो लाइटर कॉम्पोनेट है ना हल्का है ना तो कवरिंग जो है वो हल्की है अगर उसको हवा मतलब ब्लोइंग एयर से मतलब विंड आएगी या उसको एयर ब्लो करेंगे तो वो उड़ जाएगा ना उसके साथ ही क्योंकि वो हल्का है और जो ग्रीनस है वो हमारे हाथ में आ जाएगा है कि नहीं चलिए अब हो गया सीविंग इज अ सिंपल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज सीविंग इज यूज वन कॉम्पोनेट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज ये एक सिंपल टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग सेपरेट किया जाता है ठीक है एग्जाम्पल समझते हो आटा होता है हमारे पास आटा जब होता है हमारे पास हम क्या सो करते हैं आटे को क्या करते है? उसको हैं उसको पहले छानते हैं ठीक है ना छानते हैं उस ठीक है ना अब जब उसको छानते हैं तो ऊपर क्या रहता है ऊपर मतलब uh, मतलब यही हार मतलब पार्टिकल्स रहते हैं जो मतलब हमें चाहिए नहीं होते हैं या मैंने आपको जैसे बोला बड़े बड़े पार्टिकल्स रहे होते हैं ठीक है जो कि हार्मफुल वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं उनको अलग करते हैं ना किससे मतलब वो जो छन्नी के ऊपर ही रहते हैं ना वो कौन से वो पार्टिकल्स जो कि हमें चाहिए नहीं होते वो छन्नी के ऊपर ही रहते हैं ना तो वो जो छन्नी के ऊपर जो पार्टिकल्स रह गए वो बड़े बड़े साइज के थे और जो आटा था वो क्या था वो फाइन पार्टिकल्स का था ना तो वो साइज में डिफरेंस आ गया कि नहीं स्टोन जो ऊपर छन्ने के ऊपर रह गए वो अलग डिफरेंट साइज़ के थे बड़े साइज के थे और जो आटा है वो फाइन um, ये साइज का है सॉरी ये छोटे साइज का है तो हो गया ना सेपरेशन तो होगी ना किसकी लार्ज साइज़ की मैं आप, जैसे फॉर एक्जाम्पल आप डिफरेंट साइज़ की स्टोन वगैरह जो ऊपर छन्ने के ऊपर रह गए थे वो तो डिफरेंट साइज के थे और आटा जो डिफरेंट साइज का था तो हो गया ना डिफरेंस ये एक सिंपल टेक्निक होती है इससे क्या किया जाता है पाटे का उसको सेपरेट किया जाता है जो कि डिफरेंट साइज के होंगे ठीक है सेविंग इज यूज वन कॉम्पोनेट्स ऑफ मिक्सचर है डिफरेंट साइज ये सेविंग जो है तभी यूज़ की जाती है जब मिक्सचर में से कॉम्पोनेंट्स का साइज़ जो होगा वो डिफरेंट होगा समझ गए जैसे मैंने आपको अभी आटे की एग्जाम्पल दे दी आई होप आप ये मेथर्ड्स समझ के होंगे काफ़ी आसान थे ठीक है स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर आप अच्छे से ध्यान से ध्यान से पढ़िएगा ये ठीक है स्टूडेंट्स मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज